ऑफ T20 सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान कर दिया गया है। विस्फोटक बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव को टीम की कमान सौंपी गई है। 5 मैचों की सीरीज का 4th मैच रायपुर में होगा। सूर्य को कप्तान बनाए जाने के बाद लोग सवाल पूछ रहे हैं कि विश्व कप में फ्लॉप होने के बाद भी सूर्य को कमान क्यों। वर्ल्ड कप में खराब प्रदर्शन, फिर कैसे बने कप्तान? फ्लॉप सूर्या को T20 की कमान। न बल्ला चला, न फील्डिंग में जान, 140 करोड़ लोगों का दिल टूटा, फिर कैसे बने कप्तान? ये सवाल BCCI से है, ये सवाल मैनेजमेंट से है, ये सवाल क्रिकेट के प्रशंसक पूछ रहे हैं, ये वो पूछ रहे हैं जिनका सपना टूटा है, जो विश्व कप ट्रॉफी अपने घर में देखना चाहते थे। दरअसल भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया के साथ 5 मैचेस की T20 सीरीज खेलेगी, जिसके लिए टीम का ऐलान हुआ है। इस टीम की कमान सूर्य कुमार यादव को सौंपी गई है। ये वही सूर्य कुमार यादव हैं जो विश्व कप में पूरी तरह से बेअसर नजर आए, जिन्होंने फाइनल जैसी फाइट में सरेंडर कर दिया, जिनके बल्ले से न तो रन निकले और न ही कोई कमाल दिखा सके। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जिस टीम का चयन हुआ, इसमें न रोहित है न विराट, न शमी है न बुमराह, मतलब साफ है सीनियर खिलाड़ियों को आराम दिया गया है। कैसी है ये टीम स्क्वाड जानिए। सूर्य कुमार यादव कप्तान, ऋतुराज गायकवाड़ उप कप्तान, ईशान किशन, यशस्वी जायसवाल, तिलक वर्मा, रिंकू सिंह, जितेश शर्मा, वॉशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल, शिवम दुबे, रवि बिश्नोई, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा, आवेश खान और मुकेश कुमार। टीम के ऐलान के बाद लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं, आखिर टीम में सूर्या को किस आधार पर कमान सौंपी गई? वो खिलाड़ी जिसने विश्व कप जैसे टूर्नामेंट में प्रदर्शन नहीं किया, वो टीम का कप्तान कैसे बन गया? हर जगह सवाल उठ रहे हैं। बता दें कि भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया के साथ 23 नवंबर से 3 दिसंबर के बीच 5 मैचेस की T20 सीरीज खेलेगी। कब कब मैच होगा, आइए इस पर भी डालते हैं एक नजर। 23 नवंबर को पहला मुकाबला विशाखापट्टनम में, 26 नवंबर को दूसरा मुकाबला तिरुवनंतपुरम में, 28 नवंबर को तीसरा मुकाबला गुवाहाटी में, 1 दिसंबर को चौथा मुकाबला रायपुर में, 3 दिसंबर को पांचवा मुकाबला हैदराबाद में होना है। छत्तीसगढ़ वासियों के लिए ये सुनहरा मौका है, जब वो 1 दिसंबर को अपने चहेते खिलाड़ियों को लाइव स्टेडियम पर देख सकेंगे। चौथा T20 मैच 1 दिसंबर को रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा, जिसकी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। ये तो छत्तीसगढ़ के लिए खुशी की बात है, लेकिन इस खुशी के पीछे सवाल ये कि आखिर फ्लॉप सूर्या को कैसे कप्तानी मिली, BCCI ने किस आधार पर सूर्या को सौंपी कमान। रिपोर्ट News 18। इधर अहमदाबाद में खेले गए वर्ल्ड कप फाइनल मैच के नतीजे के बाद टीम इंडिया का हौसला बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ड्रेसिंग रूम में पहुंचे, किसी को गले लगाया तो किसी को गर्मजोशी से हाथ बढ़ाकर ढांढस बंधाया। इसे लेकर टीम इंडिया के ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा ने सोशल मीडिया पर एक फोटो शेयर की और लिखा, PM का ड्रेसिंग रूम में आना बहुत ही खास और प्रेरणादायक था। टूटे तो वो भी थे, भारत के 140 करोड़ लोगों की आंखों में आंसू थे। कोई मैदान पर रो रहा था तो कोई ड्रेसिंग रूम में। रोहित की भावुक तस्वीरें वायरल हो रही थी, विराट टोपी से अपना चेहरा ढककर अपने आंसू छिपा रहे थे। सबके सपने टूट गए थे, ख्वाब अधूरा रह गया। ड्रेसिंग रूम में सन्नाटा पसर गया, कहा भी तो गया है क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है। इस खेल में कब पासा बदल जाए, हमारा अपार आनंद कब दुख में बदल जाए, कहा नहीं जा सकता। खिलाड़ियों के हौसले टूटने लगे, ड्रेसिंग रूम में सन्नाटा छा गया। ऐसा लगा मानो सब खत्म हो गया हो। तभी वो आए, और जब वो आए तो हौसला बढ़ा और उन्होंने गमों को बांट लिया। वो थे हमारे प्रधानमंत्री। वर्ल्ड कप में भारतीय टीम को हार मिली, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निराश और हताश खिलाड़ियों से मिलने के लिए उनके ड्रेसिंग रूम जा पहुंचे। यहां माहौल काफी गमगीन था और खिलाड़ी इस हार के बाद
निराश और खामोश दिखाई दिए, तो प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाने की कोशिश की। उन्होंने इस वर्ल्ड कप में फाइनल से पहले तक किए शानदार प्रदर्शन के लिए उनकी तारीफ की। टीम के ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा ने सोमवार को पीएम के साथ ड्रेसिंग रूम की तस्वीर साझा करते हुए उन्हें धन्यवाद दिया। जडेजा ने लिखा कि हमारे लिए टूर्नामेंट अच्छा रहा, लेकिन कल हम थोड़ा पीछे रह गए। हम सभी का दिल टूट गया। लोगों के समर्थन के कारण आगे बढ़ रहे हैं। पीएम मोदी का हमारे ड्रेसिंग रूम में आना प्रेरणादायक था। वहीं एक और तस्वीर सामने आई है, जिसमें पीएम मोदी ने फाइनल में हार से दुखी मोहम्मद शमी को गले लगा लिया। शमी ने ये तस्वीर अपने ट्विटर अकाउंट पर पोस्ट की। फोटो के साथ किए ट्वीट में उन्होंने पीएम को टीम के ड्रेसिंग रूम में आने और खिलाड़ियों के साथ वक्त गुजारने के लिए शुक्रिया कहा। शमी ने लिखा कि दुर्भाग्य से कल हमारा दिन नहीं था। मैं पूरे टूर्नामेंट के दौरान हमारी टीम और मेरा समर्थन करने के लिए सभी भारतीयों को धन्यवाद देना चाहता हूं। पीएम नरेंद्र मोदी का आभारी हूं, विशेष रूप से ड्रेसिंग रूम में आने और हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए हम वापसी करेंगे। भले ही खिलाड़ी गमगीन हो, लेकिन इतना जरूर है कि पीएम के ड्रेसिंग रूम में आने से खिलाड़ियों का हौसला जरूर बढ़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और अब आपको तेज रफ्तार में दिखाते हैं खबरों का 2020।